वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। सो इससे पहले जो हमने देखा था वो था गोलू देवता मंदिर, और अब हम आपको दूसरे और तीसरे मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं कसार देवी टेंपल, और ये भी अल्मोड़ा में ही स्थित है, तो आप भी ज़रूर देखना। ये लीजिए, हम आ गए हैं कसार देवी के मंदिर के पास। यहाँ से व्यू देखिए कितना प्यारा है, बिल्कुल कितनी ऊंची ऊंची पहाड़े हैं। मैं तो उत्तराखंड की पहाड़ों को सैल्यूट करता हूँ, कितनी बेहतरीन पहाड़े हैं। ये देखिए कितनी ऊंची पहाड़े हैं। सड़क के साइड में ही गाड़ियाँ लगी हैं पार्किंग के लिए, हमने भी यहीं लगा दी है। हमारा हम यहाँ से चलेंगे, ये थोड़ा सा ट्रैक है, ट्रैक करते हुए चलेंगे और फिर हम कसार देवी के दर्शन करेंगे। चलिए आप भी हमारे साथ, हम आपको भी दर्शन कराते हैं। ओह काफ़ी ऊंची ट्रैक है, और ये देखिए व्यू, पहाड़ देखो कितनी ऊंची है भाई। गॉड, ये ट्रैक कर रहे हैं हम लोग दर्शनों के लिए, चल रहे हैं ऊपर दर्शन करेंगे। एकदम ही ऊंचा सा है यार, आप देखो कहाँ बबलू खड़ा है। एक सेकंड में हम कितनी जल्दी ऊपर आ गए। मासी थक गए, गुड़िया बहुत ऊंचा। हाँ यार एकदम से थक गए। चलो 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 चलो, ये देखिए कहाँ से आ गए, कहाँ थी रोड, कहाँ से आए हैं चढ़ के। हाँ चलो, ये मंदिर अभी हम दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे अगले डेस्टिनेशन की ओर। चलो सो ये है कसार देवी टेम्पल। थोड़ी सी ट्रैक करके यहाँ पर आना होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। पहले एक बार हम लोग दर्शन कर लें। दर्शन करने के दो रास्ते हैं, एक ये स्टेप्स वाला रास्ता है और एक उस तरफ से पीछे साइड की तरफ का रास्ता है जिसको लेकर हम अभी आए हैं। चलिए आप भी करिए कसार देवी के दर्शन। कोसी नदी की धारा बहुत पतली हो जाती है, तो ये कोसी नदी नहीं है, ये कोई झील है। और वो क्या है ऊपर, वो कौन सा मंदिर है? मसीह जी, वो शिव जी। अच्छा शिव जी का मंदिर। जय कात्यायनी देवी।
तो दोस्तों आज हम आपको लेके आए हैं श्री कसार देवी, जो कि यहाँ अल्मोड़ा में स्थित है। काफ़ी ऊंचाई पर है, जैसे कि आप अभी वीडियो देख रहे होंगे। सन 1800 की शताब्दी में ये बनाया हुआ था ये मंदिर। और इस मंदिर की महानता ये है कि यहाँ पर देवी ने कात्यायनी देवी के रूप में यहाँ पर अवतरित वो हुई थी शुंभ निशुंभ को का वध करने के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा होली जगह है। वो यहाँ पर सिर्फ उन्होंने अवतरित हुई थी, तो उन्होंने जो वध किया था वो कहीं और पर किया था। थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पर किया था, बट इसका महत्व तो ये भी है कि ये पूरा चुंबकीय स्थान है जो कि पूरे विश्व में सिर्फ तीन जगह पर है। एक ये दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका में माचू पिच्चू के नाम से प्रसिद्ध है, एक इंग्लैंड में है और तीसरा हमारे ये भारत में है। तो यही वो स्थान है उत्तराखंड में, जहाँ पर चुंबकीय शक्ति है यहाँ पे। और यहाँ पर नासा तक के साइंटिस्ट जो हैं, वैज्ञानिक, वो यहाँ पर आके उन्होंने यहाँ पर अनुसंधान किया है। और ये क्यों है ये कोई भी नहीं पता लगा पाया है, बस ये है कि तीन जगहों पर ये अवेलेबल है। और यहाँ पर एक और महानता ये है कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी आए थे और यहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। और ये है उनकी वो गुफा विवेकानंद, जहाँ पर बैठ के उन्होंने ध्यान साधना करी थी और उसके बाद उन्होंने संसार के कल्याण के लिए अपनी यात्रा शुरू करी और बहुत सारे महान काम किए। अच्छा दिख रहा है ना, काफी शांति है। ध्यान से तू भी ध्यान साधना में जा रही है क्या? हॉबिट हाउस, तो डिफरेंट चीजें हैं यार, यूनिक से लग रहा सा। ये ऐसे ही बनेगा अभी। फॉरेनर्स काफी हैं इस तरफ। मोहन स्पिंसर बन रहा है ये कैफे, पनीर लाइट चलता हुआ है। लीजिए आज के दिन का तीसरा मंदिर आपको हम अब दिखाते हैं। जैसे कि हमने बोला था कि हम आपको कैंची धाम भी दिखाएंगे, लौटते हुए हम इसके दर्शन करेंगे, तो अब हम आपको दिखाते हैं कैंची धाम। तो ये हम अल्मोड़ा के तरफ से आ रहे हैं और हमारे राइट साइड में कैंची धाम है। हम यहाँ पे रुकेंगे क्या छत्ती? हाँ देखते हैं, अभी मंदिर का टाइमिंग देखते हैं क्या क्लोजिंग है क्या कैसे है, तो उसके हिसाब से। होटल वगैरह प्रॉपर्टीज तो काफी हैं, लेट्स सी। लेट होते तो रुक जाएंगे, नहीं तो निकल जाएंगे। ठीक है, कैसे क्या है, खाने पीने का तो अच्छा है सिस्टम, होटल वगैरह है। तो थोड़ा सा टाइम ही लग गया दोस्तों आज ना सुबह में, तो हम अभी पहुंच पाए हैं। अभी 6:10 है, तो फटाफट हम जरा चेक करते हैं कि मंदिर यहाँ धाम के विजिट करने की टाइमिंग्स क्या हैं, कहीं कोई क्लोजिंग टाइम तो नहीं होता है। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। जी हम पहुंच गए हैं कैंची धाम, आरती का समय हो गया है, हमने गाड़ी पार्क कर दी है पीछे और अब हम चल दिए हैं। ये देखिए लोग वहाँ पे, अगर आप देख रहे होंगे तो भीड़ थोड़ी सी इकट्ठी हो रही है। यही है मंदिर परिसर, यहाँ पे आरती चल रही है, लोग दर्शनों के लिए हैं। यही है नीम करौली बाबा का आश्रम, ये देखिए चल रहे हैं हम लोग दर्शन के लिए। आ जा पियू जल्दी, ये देखिए ये दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे, सब लोग खड़े हैं।
चल रहे, ठंडा तो थोड़ा सा मौसम है, हम लोग थोड़ा सा लेट क्या सही समय से ही चल रहे हैं, बट चलो देखते हैं, दर्शन करते हैं नीम करोली बाबा के। ये देखें अभी चल रहे हैं, ये पुल है, ये लोग कह रहे 6 बजे बंद हो जाता है, यानी कि आरती के बाद बंद हो जाता है, तो हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे, दर्शन तो करेंगे ही आज, नहीं तो कल पर करेंगे ज़रूर। चलिए आ रहे हैं दर्शन के लिए, क्यों यही खोल दो, दर्शन के लिए आ रहे हैं। ज़ूम करके आ गया दिख रहा है सही से, बहुत कैड़ी वाली आग लग गई है, बहुत जोर से फैलती जाएगी, अब ये फैलेगी, ये देखो अब यहाँ से दिख रही है कितनी फैलती जा रही है आग पहाड़ों में, वो देखो इन सब चीजों का कितना खतरा होता है हमें, बहुत ज्यादा। सो इतना प्यारा लगता है ना ये वाला जो टाइम होता है शाम और रात के बीच वाला, इसमें आप देखो कि जो स्काई है उसका एक अलग ही फ्लेवर लग रहा है, अलग ही कलर है, हल्का सा पिंकिश है, और लग रहा है कि हम नैनीताल के काफी करीब आ ही चुके हैं। बसावट देखिए, दिन में 3 धार्मिक स्थल के दर्शन करके अब हम पहुंचे हैं नैनीताल, पार्टी करेंगे। You're very chalak, bro. Very chalak. रोशनी बड़ी अच्छी लगी, मसूरी में भी ऐसा दिखता है ना जब देहरादून से, तो बड़ा अच्छा लगता है। लोकल मार्केट यहाँ की मॉल रोड के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। अच्छा, दिस इज लेक, बस स्टैंड लेक, नैनी लेक के पास हम आ चुके हैं, नैनीताल में हमने एंटर कर लिया है और अब हमारी होटल हंटिंग शुरू। आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं, अभी क्या टाइम हुआ है, 7 ही बजे हैं दोस्तों, एक्सप्लोर करते हैं फिर बताते हैं कि हम लोग कहाँ रुके। ये रहा नैनीताल का फर्स्ट व्यू आपके लिए, मंथ ऑफ मार्च, 5th मार्च। सो फ्रेंड्स, हम नैनीताल पहुंच चुके हैं और यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हैं, मॉल रोड में बहुत खास भीड़ तो नहीं है, बट हाँ दुकानें चालू है और हमारी होटल हंटिंग भी चालू है साथ में। ये झील अभी शांत दिख रही है, सुबह दिखाएंगे आपको इसके नज़ारे, और काफ़ी ब्रांडेड शोज भी स्टोर्स भी हैं, और नॉर्मल जो अपनी होती है यूजुअल मॉल रोड का जो फील होता है सेम ही होता है हर जगह पे, तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे, यू फील वेरी नॉस्टैल्जिक। कितनी बार हम लोग आते हैं ना नैनीताल, आप भी ज़रूर आए होंगे, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं नैनीताल के, और एक ऐसी जगह है जहाँ पर बचपन से ही हम लोग आ रहे हैं, तो बड़ा अपने आप को रिलेट कर पाते हैं इस जगह से, एवरी टाइम वी कम हियर मतलब सारी मेमोरीज आंखों के सामने आ जाती है। सब भी खुल गया है यहाँ पे, ये तो मैं आपको ना
लेक के पास ही दिखा देती हूँ जाके, रात में जो उसके नज़ारे होते हैं, दिन में तो आपको सब दिखाते हैं, रात में कभी नहीं दिखाता होगा। ये रही नैनी मंदिर, इसके साथ साथ हम मॉल रोड पे बढ़ते हुए एक किसी डिसेंट सा होटल, नॉट फैंसी, डिसेंट, जो हमारे मॉल रोड के करीब भी हो और हमारे को ज़्यादा डिस्टेंस पैदल ना कवर करना पड़े। हमारा सिर्फ यही इंटेंशन रहता है जब भी हम नैनीताल आते हैं, क्योंकि नैनीताल आओ तो यहाँ पर शॉपिंग करोगे आप डेफिनेटली, और तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो आपने पहले देखी ना हो, और ज़्यादा सारा आप बोटिंग तो आप डेफिनेटली करोगे, नैनी देवी टेम्पल हो लेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा और ट्रैवल करने की गुंजाइश है नहीं, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली हफ्ते भर से हम कुछ आराम नहीं कर पा रहे, तो बस अब नैनीताल और फिर उसके बाद यहाँ फिर सामान। फाइनली हमने होटल मिल गया है, होटल अलका, ये बहुत ही इसकी प्रॉक्सिमिटी लेक से बहुत पास है और आपको ये इजीली यू विल बी एबल टू लोकेट, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत प्यारा सा है और बहुत सी लाइट्स लगी रहती हैं तो ये अलग ही चमकता है। सो आई एम गोना टेक यू टू द रूम, मुझे ऐसी दे दो, मुझे गर्मी सी लग रही है, टायर्ड बहुत ज़्यादा। नहीं, ड्राइवर होता तो बुला ही लेता। इतना प्यारा लगता है यहाँ का एम्बियंस अंदर से, वेरी नाइस शीक, इट्स नॉट अ फाइव स्टार डेफिनेटली नॉट, बट नो लेस हर तरह के रूम्स आपको मिलते हैं एंड हर कैडर का बंदा यहाँ पे आपको आप ले सकते हो, इट्स नॉट, इट्स कॉस्ट इफेक्टिव, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, नॉट वेरी चीप आइदर। कैटेगरी के हिसाब से रूम्स अवेलेबल हैं, जैसे हर जगह होती है, पॉकेट के हिसाब से लिया जा सकता है। चलिए अब ये 8 बज गए हैं तो अब हम गाड़ी यहाँ पर ला सकते थे, तो फटाफट हम इधर आ गए हैं, होटल हमने ले ही लिया है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो अब गाड़ी से हम सामान ले जाएंगे, चेक इन कर लेंगे होटल में एंड उसके बाद अपना कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर सुबह हम आपको यहाँ के झील के दर्शन कराएंगे, नैनी देवी के दर्शन करा देंगे, दर्शन ही करा, झील के भी दर्शन ही करा, सॉरी बोटिंग कराएंगे, ये बोटिंग दिखाएंगे। हाँ थोड़ा ज्यादा ही वो धार्मिक उसमें आ गए हम लोग ना, तो अब थोड़ा सा नॉर्मल हम लाइफ में वापस जाएंगे। हाँ ऑफिस भी ध्यान से करना है, बहुत बहुत सारी चीजें हमारे को करनी है अभी और आगे, बट हाँ ये रात का मॉल रोड का नजारा आपके लिए 8 बजे के बाद का। सबवे खा ले? सबवे खाना है? मैं तो बस एक सूप पीऊंगी। सबवे पे मिलेगा? सबवे पे सूप नहीं मिलेगा, पता है ये ना यूएस में ना सबवे में जब भी हम जाते थे तो एक बड़ा ही अच्छा ब्रोकली सूप मिलता था वहाँ पे, येलो कलर का, और मतलब वो टेस्ट इतना, मतलब आई कैन नॉट फॉरगेट दैट टेस्ट, इतना प्यारा, मैंने क्या ही याद दिला दिया आपने मुझे। ये देखो दोस्तों ये हमारा होटल, होटल का बिल्कुल ही प्राइम लोकेशन पर है, और हम ये नहीं बोल सकते हैं ये 4 स्टार है 5 स्टार है, बट ठीक है क्योंकि हर कैटेगरी का रूम अवेलेबल है और हमारा रूम बिल्कुल ही सामने में है, ऊपर चल के आपको हम अपना रूम भी दिखाते हैं।